तो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो जस्ट अभी बज रहे हैं सुबह के 7। सूरज देख लो आप, मतलब अभी अभी सूरज निकला। और जब बता दूं यार, आज रात को मैंने अविनाश के साथ इतना गंदा वाला प्रैंक किया ना, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ बोलने भी वाला है। उसको पता मैंने मैसेज करके इतना कुछ बोला, कसम से मैंने उसको मैसेज कर, वो पता मेरे से फ़ोन मांगने के लिए आया था, बोल रहा था कि मेरे को फ़ोन देना, मैंने वो फेयरवेल की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, पूरा व्लॉग बनाना है। तो मैंने उसे क्या बोल दिया कि मैं नहीं तेरे को फ़ोन देने वाला, कसम से मैंने उसको इतनी बातें सुनाई, मुझे नहीं लगता वो मेरे साथ बात भी करने वाला। यार मैं आपको बता दूं कि आज है हमारे स्कूल में फेयरवेल, तो व्लॉग को फुल एंजॉय करना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो फाइनली गाइज यार, हम फुल रेडी होके आ चुके हैं, हमारे स्कूल में फेयरवेल है। तो ये है मेरे साथ आज, तो अविनाश आगे चला गया बाइक लेके। तो यार मैंने सोचा उसकी बाइक रोक के मैं उसके साथ थोड़ा प्रैंक करूँगा, लेकिन वो लोगों के घर के पास था इसलिए मैंने यार उसे कुछ भी नहीं बोला। वहाँ पर काफ़ी लोगों के घर थे, वो बोला भी नहीं मेरे साथ, तो सीधा वो बाइक लेके चला गया। आपको एक बार दिखाता हूँ उसने चैनल का नाम क्या रखा है। फोन खोल लें यार नितेश। तो गाइस देख लो, इसने चैनल का नाम चेंज करके अविनाश चिंवाड़ रख लिया है। कसम से यार, मुझे लगता है वो बिल्कुल सीरियस ले गया, और इस प्रैंक में काफी मजा आने वाला है। और ये भी मेरे साथ मिला हुआ है, जैसे गया था उसका कुछ ऐसा रिएक्शन था, कसम से वो बिल्कुल देखा भी नहीं उसने हमारी तरफ, और उसने बाइक बिल्कुल भी नहीं रोकी कसम से। और स्कूल में पता नहीं यार वीडियो शूट करने देंगे या फिर नहीं, तो मतलब रास्ते में से कहीं ना कहीं पकड़ूंगा उसे मैं। और मेरे फ़ोन से उसने चैनल रिमूव भी कर दिया और पासवर्ड भी चेंज कर दिया, उसने बिल्कुल सीरियस में ले लिया। जिस हिसाब से मैंने उसको देखा था ना, मुझे लगता है बिल्कुल सीरियस में ले लिया। चैनल का नाम वापस वही रखवाऊंगा मैं। सो गाइज यार, हम देख सकते हो हम इतने दूर से आए, कसम से बहुत दूर स्कूल है हमारा, और वो बड़े दूर हमारा घर है। कसम से थक गए, पैदल आए, यहाँ पे गाड़ी भी नहीं मिलती, तो पैदल आए तो सीधा आप स्कूल मिलते हैं आपको। सो फाइनली गाइज यार, हम क्लास के अंदर आ चुके हैं। ये देख सकते हो, ये है दीपक और ये बैठा है मेरा फ्रेंड है नितेश, और ये रही 11th क्लास। मुझे लगता है फेयरवेल होने वाली है, आप नीचे ग्राउंड में होने वाली है। दीपक फेयरवेल कहाँ पे होने वाली है? रूम डिसाइड करेंगे फिर, अभी रूम डिसाइड नहीं किया। ये मेरा फ्रेंड है, तो ये हमें कुछ गिफ्ट देना, ये हमें गिफ्ट देना चाह रहा है कुछ। सो गाइज ये हमारी गिफ्ट है छोटा सा, ये हमें फेयरवेल पे हमें गिफ्ट मिला है। मतलब ये लाया कितने का आपने, प्राइस बताओ इसका, लाया कितने का? कितने का? 300 का। ओ गाइस देखा आपने, मतलब फेयरवेल पे ये गिफ्ट मिला है हमें, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है हमारी। देखो 300 का लाया, 300 का ये। सजन रे पास तो आना, न कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, आशिक रहना। ओ सजन रे पास तो आना, तेरी याद सताए रात रात, तेरी याद सताए रात रात, वादे दिए कितने वादे दिए, तेरी याद सताए रात रात, तेरी याद सताए रात रात। सो फाइनली गाइज यार, मैं स्कूल से वापस आ गया हूँ यार, काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे, तो फेयरवेल को काफ़ी इंजॉय किया। और यार मेरे को अविनाश नहीं मिला, क्योंकि यार मिला था लेकिन क्या ही बताऊँ, इग्नोर देख रहा ही नहीं था मेरी तरफ यार, और काफ़ी बच्चे थे उधर। आज शाम 5 बजे उसने बोला था कि मेरे को बुक्स देके जाना, मुझे लगता है आज शाम 5 बजे ही प्रैंक करना पड़ेगा। और ये देखते, ये हमें गिफ्ट मिले हैं कुछ स्कूल से, ये पेन मिला हमें, सब 12th वाले बच्चों को एक एक पेन मिला। अभी बज रहे हैं शाम के 5, और अविनाश को मैंने मैसेज किया कि आ गाइड ले जा, तो आ रहा है, तो उसका रिएक्शन देखते हैं, मतलब कैसा रिएक्शन है उसका, मतलब वो मेरे से बात नहीं कर रहा, तो रिएक्शन देखते हैं। थोड़ी लड़ाई पढ़ाई करूँगा उसके साथ, देख रहा कैसा रिएक्शन आता है, सारी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। सो गाइज यार, फाइनली मैं आ चुका हूँ यार, ये देख सकते हो, ये आया गाइड लेने के लिए, आया लेने के लिए क्या, ये गाइड लेने के लिए आया। कसम से यार, रात को मैंने इसको इतनी गालियाँ निकाली, तो यार इतनी गाली निकाली, मैं इसके साथ फ्रैंक कर रहा था, मैं देखता था ये क्या करता,
यार स्कूल में मैं क्या ही बताऊंगा आपको, ये देख भी रहा, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। समोसे की प्लेट लेके आया और इसे मैंने सब जगह ब्लॉक कर दिया, देखता हूँ इसका क्या रिएक्शन रहता है। और यार देख लो अब आया, अब बात भी नहीं कर रहा अच्छे से। क्या हो क्या कहा जा रहा, कोई नहीं दफा मेरे पास नहीं काटे। सो गाइस यार हमारा प्रैंक खत्म हो चुका है, सब कुछ मैंने इसे बता दिया। इसकी शक्ल अब देख सकते हो कैसी शक्ल बनी हुई है इसकी। तो अब ये बताएगा कि पूरा रात से लेके अभी तक मतलब क्या सोच रहा था, ये मतलब बिल्कुल इसे असली वाला प्रैंक लगा या फिर नहीं। तो गाइस जब इसने मेरे साथ प्रैंक किया ना, कसम से मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा ना, आप देख पा रहे होगे इससे पहले चैनल का नाम रख दिया अविनाश जमाल व्लॉग्स, जिसने नहीं देखा तो उसने देखा होगा। मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा ना, ये कभी बोले मेरे घर वालों के सामने मेरे को नहीं बुलाना, मैं तेरे साथ दोस्ती नहीं रखूंगा, ये नहीं रखूंगा। अब ऐसे कौन व्लॉग करता है यार, ऐसे प्रैंक कौन करता है। मैं इतना गुस्सा चढ़ा ना, दिल करे मैं चैनल डिलीट कर दूँ, फिर सोचूंगा यार मोनेटाइज भी होने वाला है, लगभग 10-15 दिन रहे तो मोनेटाइज होने वाला है, तो फिर मैंने सोचा खुद ही मेहनत करूंगा। तो फिर मैंने सारों को दोस्तों को बता दिया कि आतिश ने ये किया मेरे साथ, तो सारे बोलने लगे आतिश ये है वो है, आतिश को बड़ा वो घमंड आ गया है। तो फिर मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा, फिर सुबह मैं स्कूल गया तो स्कूल जाते हुए मैंने भी अपने फोन में ब्लॉग शूट कर लिया, ऐसे मैंने फोन मांगा था इसने दिया ही नहीं, तो फिर मैंने अपने फोन से शूट किया। तो इसकी लूट की शक्ल देख सकते पीछे, गधा गुस्सा पास प्रैंक करो तो त्रपड़ बढ़ जाते हैं यार, चल अपन भी साथ करो तो बच जाते हैं त्रपड़ में। तो मेरे पास बुक्स नहीं थी यार, तो मैं बुक्स लेने आया था। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मस्त स्वस्थ खाते पीते रहो। ओके मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय टेक केयर गुड बाय। और होली के दिन जरूर देखना हमारे व्लॉग। सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, आशिक रहना ओ।